जैसे भी कि आपको पता है कि अभी बारिश जो रुकने का नाम नहीं ले रही है और जगह जगह पानी का भराव हो रहा है और वैसी एक समस्या प्रशासन के सामने मैं कई समय से 3 महीने से प्रशासन को भी अवगत करा रहा हूँ कि दरगाह झाला जो भरा हुआ है दरगाह शरीफ का, उसकी एक दीवार जो है वो क्षतिग्रस्त है, जो कि रोज़ 2-4 फाट है उसमें गिरते रहते हैं और एक बड़ा हादसा होने की और जनहानि होने की संभावना टली लगी हुई है। मगर दरगाह कमेटी को अपन ने कई बार अवगत करा दिया कि इसकी मरम्मत करा ले, इसको रिपेयर करा ले, जिससे पीछे के कोई मकान वहाँ क्षतिग्रस्त होकर गिर न जाए या कोई बड़ी जनहानि न, क्योंकि वहाँ से वाहन भी गुजरते हैं। मगर दरगाह कमेटी की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं मिल रहा है और बार बार शिकायत करने के बावजूद भी उसकी कोई मरम्मत और कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। तो अजमेर में नए कलेक्टर साहब अपने आए हैं तो कलेक्टर साहब को अवगत करवाया अपन ने कि 3 महीने से हम लगातार प्रशासन को भी अवगत करा रहे हैं, बता रहे हैं कि एक को संज्ञान में ले लें और एक कोई बड़ा जनहानि होने का अपन इंतज़ार ना करें। मैं क्षेत्रीय पार्षद होने के नाते बार बार नगर निगम को, दरगाह कमेटी को और कलेक्टर साहब को अवगत करा दिया और इस बार फिर अवगत कराने आया हूँ। जैसे भी कि आपको पता है कि अभी बारिश जो रुकने का नाम नहीं ले रही है और जगह जगह पानी का भराव हो रहा है और वैसी एक समस्या प्रशासन के सामने मैं कई समय से 3 महीने से प्रशासन को भी अवगत करा रहा हूँ कि दरगाह झाला जो भरा हुआ है दरगाह शरीफ का, उसकी एक दीवार जो है वो क्षतिग्रस्त है, जो कि रोज़ 2-4 फाट है उसमें गिरते रहते हैं और एक बड़ा हादसा होने की और जनहानि होने की संभावना टली लगी हुई है। मगर दरगाह कमेटी को अपन ने कई बार अवगत करा दिया कि इसकी मरम्मत करा ले, इसको रिपेयर करा ले, जिससे पीछे के कोई मकान वहाँ क्षतिग्रस्त होकर गिर ना जाए या कोई बड़ी जनहानि न, क्योंकि वहाँ से वाहन भी गुजरते हैं। मगर दरगाह कमेटी की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं मिल रहा है और बार बार शिकायत करने के बावजूद भी उसकी कोई मरम्मत और कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। तो अजमेर में नए कलेक्टर साहब अपने आए हैं तो कलेक्टर साहब को अवगत करवाया अपन ने कि 3 महीने से हम लगातार प्रशासन को भी अवगत करा रहे हैं, बता रहे हैं कि एक को संज्ञान में ले लें और एक कोई बड़ा जनहानि होने का अपन इंतज़ार ना करें। मैं क्षेत्रीय पार्षद होने के नाते बार बार नगर निगम को, दरगाह कमेटी को और कलेक्टर साहब को अवगत करा दिया और इस बार फिर अवगत कराने आया हूँ कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके कलेक्टर साहब इसकी मरम्मत कराए दरगाह कमेटी द्वारा, जिससे एक बड़ा हादसा ना हो और जो शहर में बाढ़ के हालत बने हुए हैं, हम भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी पानी की निकासी हो। मैं दरगाह क्षेत्र से पार्षद शाकिर शाह तोपची।